डिस्ट्रैक्ट हो रहा है किससे? इस 5 इंच के डिब्बे से? ये डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हें? या फिर इसके अंदर के जो एप्लीकेशंस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं तुम्हें? पर इनसे डिस्ट्रैक्ट होने से पहले एक बात ध्यान से समझ लेना, ये एप्लीकेशंस और ये मोबाइल बनाने वाले दोनों के दोनों बिलियनियर्स हैं। तुम कौन हो? डिस्ट्रैक्ट होने से पहले कभी पूछा है खुद से? तेरे डिस्ट्रैक्ट होने से इन लोगों के एम्पायर्स बनेंगे, पर तुझे क्या मिलेगा? अब जरा ध्यान से सुनना, अगर तुम कहते हो ना कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, तो तुम अपने आप को फंसा रहे हो, क्योंकि तुम भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत इन्हीं मोबाइल फोन्स के साथ की थी, और आज ये कामयाबी के ऐसे मुकाम पर है जहां पहुंचने के लोगों के सपने होते हैं। तुम्हारे अंदर भी ऐसे कई टैलेंट्स हैं, दुनिया को दिखाओ वो टैलेंट्स, तभी तुम इन चीजों का सही इस्तेमाल करोगे। और अगर ऐसा करोगे तो कॉलेज खत्म होने के बाद कहीं पर जॉब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसे कैसे अचीव करना है, इस टॉपिक पर इसी महीने मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसे जरूर देखना। कॉलेज स्टूडेंट के लिए वो वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाला है। दोस्तों, हर कोई सपना देखता है, और तुम्हारे इन सपनों के सफर में ऐसी कई चीजें आएंगी, ऐसे कई रिलेशंस आएंगे जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। पर यहां तय तुम्हें करना है कि तुम्हें उनसे डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी लाइफ बिगाड़नी है, या उनको डिस्ट्रैक्ट कर खुद की लाइफ बनानी है। मैंने ऐसे कई आशिक देखे हैं जो दिल टूटने पर बिखर जाते हैं, और ऐसे भी कई आशिक होते हैं जो दिल टूटने पर इतिहास बना देते हैं। और इतिहास गवाह है, ये दुनिया बिखरे हुए लोगों को कभी नहीं समेटती। याद सिर्फ उन्हें किया जाता है जो कुछ हटके कर जाते हैं। दिल तोड़ने वालों को जवाब कुछ बोलकर मत देना, कुछ बन कर देना, पर दोस्त जवाब जरूर देना। कई बार ये दिल टूटने का गुस्सा लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। दोस्त, तेरा ये गुस्सा तेरी सबसे बड़ी ताकत है, तेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इस आग को हमेशा जलाए रखना, ये ना तुम्हें सोने देगा ना कहीं पर रुकने देगा। खुद को उस मुकाम तक पहुंचाए बिना चैन की सांस मत लेना जहां पहुंचना उनका सपना था। जरा उन्हें भी तो पता चले उन्होंने कांड किसके साथ कर दिया। और इसके लिए अंदर उस पागलपन को लाओ, उस जिद को लाओ जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से उखाड़ फेंके। क्योंकि जब ऐसा पागलपन, ऐसी जिद तुम्हारे अंदर आएगी, तब कोई भी बड़े से बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। दिन रात तुम्हें दिखाई देना चाहिए तुम्हारा वो सपना। और अगर तुम्हें अपने सपनों से प्यार है, तो अपने आसपास की सारी चीजों में अपने सपनों को भर दो। लिख दो दीवारों पे, ताकि जब सुबह की गहरी नींद तुम्हें उठने ना दे, तो दीवार पे लिखे वो सपने तुम्हें सोने ना दे। दोस्त, तेरे अलावा इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके। कोई भी चीज तुम्हें तब तक डिस्ट्रैक्ट करेगी जब तक तुम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की इजाजत दोगे। कुछ लोग तो अपने लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि यूट्यूब पर पहला वीडियो पूरा देखे बगैर ही दूसरे वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। भाई, ऐसे कैसे वैल्यू मिलेगा तुम्हें? वैल्यू चाहिए तो एक चीज को पूरा देखो, उसे समझो। अगर लोग यहाँ फेल हो जाते हैं तो जिंदगी के रेस में क्या पास होंगे? हर कामयाब बंदा बताता है कि कामयाबी के लिए फोकस कितना जरूरी है, पर डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी बीमारी है जो आपके फोकस को खत्म कर देती है। जब तक तुम्हें आसपास की चीजें डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी, तब तक तुम अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना। अब सवाल आता है, इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोके? इसका एकदम सिंपल सोल्यूशन है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट काम के टाइम पर उन सभी चीजों को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। और जो ख्याल आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है मेडिटेशन, जो कि 110% काम करेगा। ये मेरा खुद का गारंटी है। भाई, इस वीडियो को मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, पर एक फेवर जरूर चाहूंगा कि आप इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।